ने सेल की खोज कॉर्क के एक टुकड़े को अपने ही इजाद किए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए देखकर की थी। डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के कुछ पहलुओं का अंदाजा उन्होंने 200 साल पहले ही लगा लिया था। हुक ने टेलीस्कोप को भी बेहतर बना दिया था। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखकर उन्होंने जो ड्राइंग्स बनाई वो उनकी पारखी नजर की ही मिसाल है। सन 1666 की जबरदस्त आग में जब सेंट्रल लंदन तबाह हो गया तो हुक ने आर्किटेक्ट क्रिस्टोफर रेन के साथ मिलकर शहर को दोबारा डिजाइन करके बसाया। हुक अपने जमाने के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। कॉइल्ड स्प्रिंग्स की मदद से उन्होंने लॉ ऑफ इलास्टिसिटी की खोज की जिसे आज हुक्स लॉ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एयर पंप में सुधार किया जो उस जमाने में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी और उसकी मदद से सांस लेने और आवाज से जुड़े प्रयोग किए।